हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय ब्लॉग चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ और अच्छा ही रहना चाहिए। तो गाइस, आज है 7 फरवरी। 7 फरवरी यानी रोज़ डे। रोज़ डे यानी आशिकों के नौराते। तो देखते हैं आज क्या होता है। हमारा तो रोज़ डे तोलिया दे, रोटी दे, सोने दे, जीने दे, ये चलता है शादी के बाद। देखते आज हमें गुलाब मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो ये मेरे लिए सरप्राइज है। तो गाइस, देखते आज क्या होने वाला है। आपको दिखाऊंगी मेरा आज का दिन कैसे जाने वाला है, ठीक है जी। तो फ्रेंड्स, तो अभी तो मैं यहाँ पे हूँ अपनी जॉब पे। रोज़ डे वाले दिन हमारा क्या रोज़ डे पर, लेकिन अब मैं घर जाऊँगी तो उम्मीद है शायद मेरे हस्बैंड फूल ना तो गेंदा ही दे दें। बाकी रोज़ के दिन रोज़ डे ही होते हैं, ऐसा कुछ है नहीं। तो अभी तो मैं अपने ड्यूटी पे हूँ, यहाँ से जाऊँगी तो मैं भी एक फूल लेके जाऊँगी, पर मैं दूँगी नहीं, छुपा के रखूँगी। देखती हूँ वो देंगे या नहीं देंगे। और गाइस, आज का दिन बहुत मतलब लड़ाई भी कर सकती हूँ मैं, मेरे पे चांस है। वैसे भी वाइफ को तो मौका ही चाहिए लड़ाई करने का, तो ये मेरे पे बहुत अच्छा चांस है। आ गई हूँ फूल लेने के लिए। अब देखते हैं अंकल कितने का फूल देंगे मेरे को। कैसे करके दोगे आंटी? नॉर्मल एक फूल या कुछ सजा वजा के दोगे? सजा तो ये लगातार से नंगे पैर तक। अच्छा सा आंटी, आप वीडियो में आओगे? कर दो भैया, एक कर दो सुंदर सा अच्छा सा फूल। आज के लिए सिर्फ 50 रुपए का एक फूल है, क्योंकि आज रोज डे है। तो गाइस, मैंने दे दिया फूल रोज डे देने के लिए। अच्छा, तो गिल्ले कैसे हो रही है? जल्दी आ। खोल तो, खोल ना, ना खोल, इसको पकड़ के खोल। हाथ दिखा अपने, ये क्या कर रखा भाई, क्या कर रखा है ये? हैं, क्या है ये? हाँ, कारकोल है। हाँ। तो ये कैसे लग गया? वो गलती से लग गया। गलती से लग गया। और आप भीग कैसे गए ये देखना, कैसे भीग गए? हाँ, भीग गया था। है? कैसे भीग गई? बता कैसे भीगी? ए, दांत दिखा, दांत में भी लग रहा है। ई कर, ओ ई कर, ये दांत में कैसे लगा? अब डॉक्टर के ले जाना पड़ेगा ना, डॉक्टर दांत निकालेगा फिर। चल दांत निकलवा के लाऊंगी, आकर ये देख, ये कर, आय हाय, कैसे लगाई है? गलती से लग गया था दादी, देख रहे हो? गलती से बना लगा था, पीछा लगाया था नहीं, गलती से लग गया। झूठ बोल रही, झूठ बोल रही है। बोल, माँ जी क्या कह रही है? लगाया था ना अपने आप। गंदी बात होती है ना, मानी
अब आपको नहलाना पड़ेगा, ये छिछी उतारनी पड़ेगी। आया दिखा दे एक बार कैमरे में क्या लगा रखा है, कैमरे में दिखाओ, ऐसे करके दिखाओ, ये वाला हैंड भी दिखाओ जी, तिथ दिखाओ, कैसे लग गई बताओ, जोर से बोलो, गुलती चो लग गई। पापा कहाँ गए? पापा हाँ कहाँ गए? ड्यूटी पे। ड्यूटी पे हैं? हाय कर दे। देखो इसके पैर, देखो कितना तार को लगा लिया इसने, अब ये मैं कैसे छुटाऊं? क्या कराइए उल्लू? तो दीदी आपको रोज डे मन गया? आए थे जीजू? आए थे ना, व्हाट्सएप पे आए थे। अच्छा, तो गाइस हमारी दीदी को तो रोज मिल चुका है, पिछली बार पर रात को भेजा था उन्होंने। अच्छा, व्हाट्सएप पे नहीं तो रियल थी। तो पिछली बार भी आप यहीं थे? पूरा बुके। पिछली बार भी आप यहीं थे? हाँ, तभी तो बोल रहे थे पूरे साल तो वहीं थी। फ्रेंड्स रात के बज गए हैं, कहाँ है घड़ी, 10:30, और मेरे पति ने मुझे एक भी फूल नहीं दिया है। तो किसी ने ठीक कहा है, शादी के बाद कोई रोज डे नहीं, कोई कुछ भी डे नहीं। एक बात नहीं बोलूं, ठीक है? तो फ्रेंड्स शादी के बाद सिर्फ होता है खाना दे, जीने दे, सोने दे, और ये सब होता है। तो कोई बात नहीं, इन्हें तो थोड़ा सा भी प्यार है ही नहीं। अब क्या कहना चाहेंगे? बात ऐसी है, मैं आज गाड़ी ठीक करवा रहा था पूरे दिन, मुझे टाइम नहीं था, और शाम को मैं बोले शाम अगर गुलाब देते तो सुबह सुबह देते ना, ठीक है। दूसरी बात, मैंने गुलाब नहीं दिया, ठीक है। इस बार इसने मेरे बर्थडे पे इससे पूछो कब विश किया। हर साल गाइस ये हर साल मेरे को विश करती थी, हर साल ये मेरे को विश करती थी 12 बजे करेक्ट, और इस बार इसने विश किया मेरे को 12:30 के रेंज, 12:40 पे विश किया। देखो फ्रेंड्स, मैं अपने पति के लिए लाई हैप्पी रोज डे, पर ये मेरे लिए नहीं लाई, ठीक है। तो मेरा ये मुद्दा मिल गया मुझे बहुत बड़ा, इस पे मैं कल कलेश करूंगी बहुत ज्यादा। तो अभी के लिए देख लो, जो मतलब ये मान लो कि ये हर बर्थडे पे केक कटवाती थी सुबह, मतलब कि रात को 12 बजे ही, तो तुम घर पे नहीं थे? ठीक है। अब चलो मैं घर पे नहीं था, पर इसको ये तो था कम से कम इसको बर्थडे विश तो करना चाहिए था ना, इसने बर्थडे विश भी आधे घंटे बाद किया, तो मैं सो गई थी। चलो ठीक है गाइस, मेरे से पर बर्थडे बहुत अच्छा मनाया मैंने, ये नहीं बोलोगे? हाँ बर्थडे बहुत अच्छा मनाया। तो हैप्पी रोज डे। थैंक यू सो मच। इधर मुंह करो, हमारे कमरे थोड़ी रोशनी कम है। थैंक यू सो मच। वानी देख पापा को क्या दिया मम्मी ने, रोज। तो मैंने मना दिया रोज डे, मेरी वीडियो यही समाप्त होती है। तो इसमें कि आपको बिल्कुल सबूत मिल चुका है, जो प्यार करते हैं शादी करने के बाद ऐसी हालत होती है। तो लव मैरिज के बाद कोई उम्मीद ना करें, है ना जी? सही बात है, लव मैरिज के बाद कोई उम्मीद मत करना, सब खत्म, प्लीज मत करना। तो गाइस वीडियो अच्छी लगी हो तो यार शादी मत करना, प्लीज शादी मत करना, प्लीज शादी मत करना। कोई भी अगर कोई चाहता शादी ना खुश रहना तो शादी ना करे कोई भी। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, और प्लीज शादी मत करवा, साथ साथ शादी मत करना।